अगली खबर भ्रष्टाचार को लेकर है, जहां रीवा जिले का नई गढ़ी जनपद पंचायत जिले के भ्रष्टाचारी जनपदों में दूसरे नंबर पर है। यहां के भ्रष्टाचार किसी से छिपे नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि जांच के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही ना होना है। ताजा मामला ग्राम पंचायत हड़िया का है, जहां के शिकायतकर्ता शिकायत कर थक गए, लेकिन सिर्फ जांच प्रतिवेदन लेने के अलावा अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। शिकायतकर्ता की माने तो जनपद पंचायत नई गढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार 2005 का उल्लंघन किया जा रहा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी नहीं दी जाती, जिसके पीछे बताया जाता है कि पोल खुलने का डर है, क्योंकि यहां के विकास कार्य सिर्फ कागजों पर हुए हैं। इतना ही नहीं, जो जांच अधिकारी भी जाते हैं वह लेन देन कर मामला निपटा देते हैं। अगर कोई जांच प्रतिवेदन में दोषी भी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि वह गत कई वर्षों से शिकायत कर रहा है, लेकिन जांच के नाम पर झूठा प्रतिवेदन बार बार प्रस्तुत कर दिया जाता है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच करने पहुंची सब इंजीनियर संध्या मिश्रा, तो स्थानीय युवकों ने वीडियो बनाया तो सब इंजीनियर भड़क उठी और मोबाइल बंद करने का निर्देश दे दिया। इसी तरह से बीपीएल कार्ड के नाम जोड़ने की शिकायत ग्राम सभा में पीड़िता ने की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ग्राम सभा में पीड़िता तत्कालीन सरपंच और सचिव पर पैसा लेने का आरोप लगा रही है। तो वही जांच करने पहुंची सब इंजीनियर ने किस तरह से विभाग की कलई खोली और स्थानीय लोगों का क्या कहना है। पढ़े लिखे है, पढ़े लिखे वाली बात करो कायदे से तरीके से। सीएस हमको ही ऑर्डर नहीं है कि किसी के पास हम कर दें, हमको पावर नहीं है जी। हमारे पास हम राजस्व के भी नहीं है कि हम सबका पटवारी से हल्का पसका लेंगे तब करेंगे जी जी। हमने अपने टीएस में लिख दिया, क्योंकि ये मेंशन था आवेदन में कि ये रोड जो है पिछले 100 साल से चलतू रोड है, और जो एविडेट लगाया गया हमको नहीं पता है कि वो इस रोड का है, कहाँ का हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो उसमें ये लिखा गया कि गवर्नमेंट भूमि है, हमने भी अपने टीएस में कर दिया। तो फोन रखो, ऐसा तो कोई लिख सकता है ना, ऐसा तो कोई लिख सकता है, ऐसा थोड़ी है। मैं कोई बयान नहीं दे रही हूँ, मैं थाने में नहीं खड़ी हूँ, मैं बयान नहीं दे रही हूँ। बयान नहीं दे रहे तो मैम, आपने टीएस किया तो आपने किस कहां का कहां तक कर दिया? ऐसा थोड़ी है कोई दूसरा व्यक्ति रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं, कोई दूसरे कहने पे रिकॉर्डिंग बंद कर पंजाब टीएस किया। अरे मेरी बात सुनोगे फिर, वही बात, किसी के कहने पे नहीं देते, ग्राम सभा के प्रस्ताव पे देते हैं, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिहाफ पे टीएस देते हैं, किसी के कहने पे टीएस नहीं देते हैं जी। हां जी, ठीक है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, जब टीएस देते हैं तो जो भी एविडेंस, फोन रख दो यार, देखो ठीक है ना, या तो फिर लड़ाई लड़ने उस टाइप से बात कर लो यार। आप भी फोन का कैमरा उधर घुमाइए, खुद ही बता रहे हैं ना जो चीज जानना है आप लोगों को। अब उसके बाद ये कि भाई अगर ये प्राइवेट पे है तो बिल्कुल मत बनने दीजिए, हमको नहीं पता है। हम रोड गवर्नमेंट का ही दिए, हमको शासकीय भूमि का नजरी नक्शा खसरा लगा के दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है तो टीएस हुआ है, ठीक है। और अगर ये प्राइवेट में है तो हम आज करा ही रहे हैं, हम पार्टी भी बनाएंगे, मैम को भी। ऐसा थोड़ी है कि किसी यहाँ से लिख के दे देंगे तो टीएस कर देंगे, ऐसा थोड़ी है कि किसी पट्टे की जमीन में टीएस हो जाएगा। ये सामुदायिक संचालक भवन ग्राम पंचायत में कोई फिटिंग है, उस साइड में ऐसा ही होगा कि जितना इधर बना हुआ है। तो मैं देखेंगे आप सब आप आज करें, इसमें मोटर भी लग गया है, ठीक है, मोटर कागज में, इसमें मोटर लगा है, ऐसे रहे तो बोला ही जाए अपना रहने का मतलब कौन है ये अपना नहीं भाई, अब अपना तो इंजीनियर रहा है भाई, जल्दी और क्यों
इसमें आए दिन ताला लगा रहता है, हम लोग अरे वो तो दिख ही रहा है खुद ही, कभी यूज होता तो दिखता ना कि यूज होता है। जी गौतम जी, अरे लाला क्या बोलूं, ये मैडम इंजीनियर जो है आपने यहाँ की इस तरीके के रुलाई की सरपंच सेक्रेटरी ने मेरे को कब का दो साल की मेड़ी मेड़ बधान, और सरपंच सेक्रेटरी सब बोले पैसा मिलेगा और हमने चालू कर दिया, काम चालू करवा दिया। अच्छा? अब मैं कैसे लोगों से जूता खा खा के और मतलब तड़प रहा हूँ और लोगों से पैसे ले लेके भुगतान कर रहा हूँ, और ये इंजीनियर मैडम तो मेरे को बर्बाद कर दी। अच्छा यही संध्या मैडम जो जनपद में है ना? यही इंजीनियर इसको तो कुछ नहीं, मैं तो बीएसपी कलेक्टर के पास जाऊँ लेकिन क्या करूँ, मुझे तो अब साले को कुछ समय नहीं। बात सही है आपका, जो कई लोगों का मेड़ बंधान का पैसा जो है तो दो साल से लगभग रुका है ऐसा बताया जा रहा है, तो हम काम नहीं करवाते, आश्वासन दे के फाइल तैयार करके सब कुछ सूचित करके और मेरा पैसा अटका दे मेरे को बर्बाद। आश्वासन किसके द्वारा दिया गया था आपको? आश्वासन सेक्रेटरी के द्वारा के मतलब काम करवा लीजिए, मैं जो है तो मस्टर चला के आपको स्वीकृत कर दूंगा है ना, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं, कुछ नहीं कर पाए। वो बोले फाइल बनी है सब आपका ओके है, इंजीनियर कर दे तो बस हो जाए, और इंजीनियर बोल रही, इंजीनियर से एक दो बार हमने बात भी किया लेकिन इंजीनियर हो गए हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, दो महीने में, दो साल हो गए। नहीं, कई लोगों का ऐसे समझ सुनने में आ रहा है कि जो है तो दो साल से मेड़ बंधान का काम करवाए हैं और पैसा उनका जो है तो पैसा उनसे जिससे काम करवाए वो मांग रहे हैं, लोग मांगा जा रहा है, और हितग्राही जो है तो परेशान है बेचारा जो है तो उसको नहीं, पैसा नहीं, तो हम तो अब कलेक्टर एसपी के पास जाएं क्या करें, लेकिन अब मेरे मोबाइल में जो बनता है तो मैंने भी शिकायत डाला हूँ और तो मेरे पास कुछ आता नहीं है, कहाँ एसपी कलेक्टर के पास जाएं कि यहाँ पेट पालें के लोगों का कर्जा भरे।